फगनी माड़वी, मैं नारायणपुर जिला की हूँ, ढूंगा गांव की। मैं तो समय छोटी सी थी तो मेरे माँ बाप भी नहीं थे, तो उन लोगों के साथ हमेशा मिलती रहती थी। अच्छा अच्छा मतलब बताते थे, इधर आओ हमारे तरह पढ़ाई लिखाई करने से भी नौकरी उकरी कुछ नहीं मिलता है, इधर आने से अच्छा है हम लोगों के साथ काम करो, ऐसा बोलते थे। हम लोग को हमेशा बुलाते थे गांव में जाने से भी, तो इधर का तो कुछ नहीं सुनते थे, इधर क्या चल रहा है क्या नहीं, हमेशा मतलब उन्हीं लोगों का वो बातचीत मतलब सुनते थे बचपन से, तो अच्छा लगा तो इसलिए गए थे। नहीं मैं तो छोटी सी थी, ऐसा नहीं डराते थे लेकिन ऐसे बोलते थे, तो इधर का तो कुछ तो नहीं सुनते थे, उधर का ही सुनते आए बचपन से जब से पैदा हुए ऐसी, तो उधर का ही बात अच्छा लगा तो गए थे। मतलब पढ़ाई करने से भी नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ाई उड़ाई नहीं करो, इधर आओ इधर संघर्ष करेंगे, ऐसा बोलते। मैं 8-9 साल की थी तभी मैं उधर चली गई, बाद फिर वहाँ रह के मतलब सभी काम सीखी हूँ वहाँ पर, इंजेक्शन लगाना, सलाइन चलाना, चढ़ाना और टेबलेट वगैरह देना भी, जो नहीं आता था वो पूछने से बता देते थे। मतलब बालिक नहीं हुई थी बचपन से ही, मेरे माँ बाप भी नहीं थे तो उन लोगों के साथ मेरा पूरा। आपकी उम्र के कितने लोग थे आपके साथ उस वक्त? मेरे उम्र के दो जन थे वहाँ, तो जो मतलब सिनेमा वगैरह ठीक रहता है ना, वहाँ तो 5-6 साल से भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इधर का कुछ नहीं है, डर नहीं है कुछ नहीं है। वहाँ तो पुलिस उस समय नहीं जाती थी, अभी तो कहीं अंदर भी घुस रहे हैं, उस समय नहीं जाते थे, तो छोटे बच्चे लोग भी शामिल होते थे। मैं तो वहाँ जाने के बाद 3-4 महीना के बाद हम लोग को क्या बोलते हैं एयर गन से फायरिंग करना ये सब सिखाए हैं। मतलब उन लोग अभी संघर्ष में हम लोग कर रहे हैं, संघर्ष इलाका में है तो सब करना पड़ेगा बोल के बच्चे लोगों को भी ट्रेनिंग देना शुरू करते थे, क्योंकि संघर्ष इलाका में कब क्या होगा ये नहीं जानते थे, इसलिए सब अभी से ही सीखना है बोल के कराते थे। हाँ वो तो है, नसबंदी कराते हैं क्योंकि वो संघर्ष करते हैं, तो बच्चे उच्चे पकड़ के कहाँ घूमेंगे, जंगल में सोना है, बच्चे उच्चे को पकड़ के कहाँ सो पाएंगे, फिर रोने उने का आवाज आएगा तो पुलिस भी आ सकती है, ऐसा करके बच्चे नहीं रखते हैं। दूसरा को बता रही हूँ, स्कूल में थी मैं उस बाद, तो वहाँ पर एक महिला थी वो प्रेगनेंट हो गई, बाद में फिर उसको मेरे साथ रख दिया स्कूल में, तो उसका डिलीवरी मैं ही कराई हूँ, ऐसा हो जाता है डिलीवरी कराई फिर रुक गई, ऐसा बाद में पता चला मेरे वो भी दलम की है। फिर वो ज़्यादा महीना हो गया था तो उसको कुछ नहीं कर सकते थे, वो नहीं बताई कि ऐसा नहीं तो ऑपरेशन होता उसका जी। हाँ हो जाता क्योंकि उसका पति को भेजने का सोचे थे कहीं बाहर कराने के लिए, वो लेट हो गया शायद नहीं जा पाया, इसलिए वो रुक गई, तो उसको फिर एक जगह रुकने के लिए मेरे पास भेज दिए उसको। मैं वहाँ रहकर तो कंप्यूटर चलाना सीखी और डॉक्टर सब से भी सीखी, और कुछ भी पंपलेट वगैरह रहता था तो बताते थे, तो मैं टाइपिंग वगैरह भी करती थी। मतलब वो टीम अलग है, फरवात बोल के वो टीम है जो जनरेटर वगैरह, हम लोग क्या है कि घूमते रहते थे तो कोसा फिर उन लोग को जाके मिलते थे, तब वहाँ सब कुछ वही देखते थे, वो पुस्तक वगैरह छपाने का रहता था, उन लोग के यहाँ जनरेटर ये सब कुछ सुविधा है। हम लोग को डॉक्टर ट्रेनिंग भी बाहर से ही दिए थे, बाहर से ही आए थे। कहाँ से? मतलब कहाँ से आए थे? हिंदुस्तान से थे कि बाहर से थे? एक बार तो दिल्ली के हैं बोल रहे थे, वो दिए पहले दिए थे, वो कहाँ के तो ये नहीं पता, वो मतलब बहुत उम्र हो गया था उसका, वो एक बार आके दिए थे 2006 में। मतलब रफिक नाम से था एक जन, वो उसको बताते दिल्ली के हैं बोलते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं पता कि कहाँ के, वैसे भी बोल दिए कि क्या पता, तो रफिक डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर ट्रेनिंग दिए हम लोग को, इंजेक्शन लगाना, घायल होने से कैसा करना है ये सब देते थे। कंप्यूटर वगैरह तो मैं वही कोसा बता देते थे कैसा ऐसा करना है बोल के, टाइपिंग करना ये सब करती थी मैं, लेकिन उन लोग कहाँ के ये सब वहाँ नहीं पूछते थे, हम लोग बाहर से बहुत मतलब आते थे कभी कभार।
www.clips.in।